हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं उन नंबर्स का जो कि डेसिमल है, मतलब डेसिमल का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालें, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 17.64, ठीक है। तो हमारा स्टेप नंबर वन क्या था, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे, बार लगाते थे, ठीक है। नंबर के ऊपर क्या करते थे, बार लगाते थे। तो यहाँ पर डेसिमल के केस में क्या होने वाला है, मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट के केस में आप यहाँ पर इस पॉइंट के केस में आप क्या करते थे, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो सबसे पहले हम 17 के ऊपर बार लगाते, लेफ्ट से स्टार्ट हो जाते यहाँ से, ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर इस डेसिमल के केस में हम राइट से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, और 64 पर पहले बार लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 641 होता तो यहाँ पर ये 1 ऐसे ही रह जाता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 64 पर मतलब इस पॉइंट, इस सबसे पहले 6 पर बार आएगा, फिर 4 पर, फिर बार आएगा। और आपको पता है दो नंबर के ऊपर एक बार आता है, टू डिजिट्स के ऊपर एक बार आता है, तो ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये 641 नहीं है, 64 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ये बार वाला मेथड हो गया, फिर से हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 17.64 को इस तरीके से। और नेक्स्ट हम प्रोसीजर क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं बार किसके ऊपर है, 17 के ऊपर, और 17 के क्लोजेस्ट हमें या इक्वल स्क्वायर वाली टर्म देखनी है। तो अगर हम 3 स्क्वायर देखें तो 9 आता है, और 4 स्क्वायर देते हैं 16 आता है, और 5 स्क्वायर 24 आता है। तो 17 के सबसे पास वाला नंबर या इक्वल नंबर कौन सा है, 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4 और 4 लिखना है, और ये 16 आ जाएगा, 17 में 16 1 हो जाएगा। और आपको पता है 4 का डबल होता है 8। फिर आपको ये गैप फिल करना होता है, यहाँ पर ये स्पेस फिल करना होता है सेम नंबर से, ठीक है, जो सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये 164 आ गया है अब आपके पास। अब यहाँ पर ये 164 है तो नंबर क्या आना चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है, 4 आने वाला है। 4 कब आता है, जब 8 या 2 होता है मल्टीप्लाई सेम डिजिट से। और आपको पता है यहाँ पर अगर आप 8 मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा नंबर हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 से, 8 2 से 82 और 82, और डेसिमल यहाँ पर था तो डेसिमल बीच में आ जाएगा आपका पॉइंट, और ये 164 हो गया है। तो आपका आंसर ये कैंसिल, और इस तरीके से आपके पास जो आ गया है आंसर ये आ गया है, ठीक है। तो आपके पास जो स्क्वायर रूट आया है, स्क्वायर रूट आया है वो है 4.2। 4.2 आपका करेक्ट आंसर है। जब 4.2 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास 17.64 ही आने वाला है। इस तरीके से अभी हम सोल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में 12.25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 12.25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, सबसे पहले बार लगाते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से, डेसिमल के लेफ्ट साइड में चलते हैं यहाँ पर, इस पर बार लगाते हैं तो दो ही टर्म है, और डेसिमल के राइट साइड में चलते हैं तो बार लगाते हैं यहाँ पर दो ही टर्म है, तो और ये बची हैं। तो आपको पता है, ठीक है, हमेशा याद रखना डेसिमल के लेफ्ट साइड से चलते हैं और डेसिमल के राइट साइड में चलते हैं। सबसे पहले डेसिमल बीच में है तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट साइड वालों के ऊपर बार करेंगे, और फिर डेसिमल के राइट साइड वालों के ऊपर। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी याद रहे। तो स्टेप नंबर वन हो गया 12 आपका वो नंबर। स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, 12 के पास वाला कोई स्क्वायर देखना है या 12 के इक्वल हो। तो आपको पता है 3 × 3 अगर आप करते हो तो 9 आता है, ठीक है। 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 12 में से 9 हमने माइनस किया तो 3 आ जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर डेसिमल था तो डेसिमल चला गया आंसर में, और ये 3 का डबल हो जाता है 6 यहाँ पर। और अब यहाँ पर आपको पता है 3 × 5 है, तो नंबर ये 3 × 5 कब आने वाला है, एक ही कंडीशन जब 5 5 की मल्टीप्लाई होती है, तो इसलिए मैंने 5 लिख दिया तो आपका स्क्वायर रूट आ जाता है यहाँ पर 3.5। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के, एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है कि स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया दिया गया है 2304, और आपको साइड बतानी है स्क्वायर प्लॉट की। तो यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, मैंने एक्स एक्सिस की साइड मान ली है, और यहाँ पर आपको पता है एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2304। एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2304। एक्स की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 2304 का, समझ रहे हो ना, 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। और यहाँ पर हम 2304 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, राइट से चलते हैं, सबसे पहले 40 के ऊपर बार हो जाएगा, फिर 32 के ऊपर बार, राइट से चलेंगे तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर 0 उनके ऊपर बार, और 3 और 2 के ऊपर बार। और यहाँ पर अब कोई भी नंबर नहीं बचा है, ठीक है। तो अब हम हमारे पास जो डिजिट है जिसके ऊपर बार है वो है 23, और 23 के पास वाला या इक्वल वाला यहाँ पर कोई स्क्वायर होने वाला तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 × 4 आपने कराया 16 आ गया, 23 में से माइनस करोगे 16 तो 7 आता है। अब ये 7 आ गया है, 04 आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट बार वाली डिजिट आ गई है।
अब 4 का डबल 8 आपने कर दिया है, 704 लाना है आपको, पता है 82 इंटू 2 करोगे तो नहीं आने वाला है यहाँ पर, ये कितना होने वाला है 164। अगर 88 इंटू 8 करोगे 704 आएगा। मैंने 82 और 88 ही क्यों लिया है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी क्या है 4 है, और 4 कब आ सकता है जब आपके नंबर में 2 या 8 मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक साथ के साथ, इसलिए आ सकता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 88 इंटू 8 कर दिया तो 704 आ गया और आपके पास नंबर आ गया 48। तो इस तरीके से जो नंबर था एक्स की वैल्यू थी 48, ये आपकी साइड थी और ये साइड आ गई है 48 आपके पास मीटर, 48 मीटर आपकी साइड आ गई स्क्वायर प्लॉट की। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 15 की तरफ। एग्जांपल नंबर 15 में क्या है, 2401 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, और पीटी टीचर ने क्या उन्हें चाहता है, वो स्टैंड हो रोज और कॉलम में ताकि रोज और कॉलम इक्वल रहें। रोज आपको पता है ये है रोज, ये रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स होती हैं वर्टिकल, तो जो रोज हैं वो भी आपकी इक्वल होनी चाहिए किससे, कॉलम से। तो मैंने क्या मान लिया यहां पर कि रोज आपकी एक्स हैं और कॉलम भी आपके एक्स हैं, तो एक्स इंटू एक्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, वो है 2401। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2401। इनडायरेक्टली आपको निकालना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है 2401 का। तो 2401 के लिए राइट से चलते हैं, 10 के ऊपर बार और 42 के ऊपर बार आ जाएगा, और कोई भी नंबर नहीं बचता है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 24 के पास वाला स्क्वायर वाला नंबर या इक्वल नंबर कौन सा हो सकता है। अगर 5 स्क्वायर करेंगे वो तो इससे बड़ा होने वाला है 5 स्क्वायर, तो इसलिए हमें 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 करना होगा, और 16 आ जाएगा आपके पास, 24 में से माइनस करते हो 16 तो 8 आता है, 0 फोन आ जाएगा नीचे, 4 का डबल 8 आता है। अब आपको यहां पर चाहिए 1801 लाना, 81 और 1 करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 के लिए आपके पास दो ही नंबर हो सकते हैं 1 या 9, तो यहां पर 89 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 801 आ जाएगा। अब ये 801 आ गया है, आपको पता है यहां पर ये 49 है, तो 49 बच्चे जो है एक रो के अंदर है, ठीक है, एक रो के अंदर बच्चे कितने हैं आपके 49 बच्चे हैं, और आपके पास कॉलम्स कितनी है 49, और रोज भी आपके पास 49 होने वाली है, कॉलम से 49 होने वाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 49, आंसर करेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर देखो मीना और शोभा दो नाम है, ये गेम खेल रहे हैं, एक ने कहा कि एक नंबर दिया है और उस दूसरे ने उसका स्क्वायर रूट बता रही है, तो मीना स्टार्ट करती है, मीना ने कहा 25 और शोभा उसका आंसर देती है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। ऐसे ही शोभा ने कहा 81 तो मीना ने स्क्वायर रूट किया और आंसर बता दिया है 9। ऐसे ही चलते गए वो, मीना ने फिर बताया 250 तो शोभा ने उसका आंसर नहीं बता पाई, शोभा नहीं बता पाई कि इसका स्क्वायर रूट किसके पास भी होने वाला है, कि कौन सा ऐसा नंबर है 250 के पास भी होने वाला है, तो इसको कैसे निकालते हैं। आपको पता है मान लीजिए अगर ये 100 होता तो ये 10 स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 से तो 10 स्क्वायर से तो बड़ा होने वाला है नंबर, और 20 यहां पर आप देख सकते हो 20 स्क्वायर क्या होता है 400, तो 20 स्क्वायर से छोटा होने वाला है, लेकिन 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं 11 12 13 14 19 तक, आपको नहीं पता किसके क्लोज है। अगर हम चलते हैं 15 स्क्वायर क्या होता है 225, तो 225 के क्लोज है। ऐसे अगर चलते हैं 16 स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16 × 16 6, ये आता है आपके पास 96 और ये आपके पास 256 होता है, तो 256 से छोटा है, तो ये नंबर किसके क्लोज है, तो 15 और 16 स्क्वायर के ये क्लोज नंबर है, ठीक है, ठीक है, किसके क्लोज होने वाला है, ज्यादा पास किसके आई, ज्यादा पास है 16 स्क्वायर के, तो 16 स्क्वायर के पास होने वाला है। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनके नियरेस्ट होल नंबर बताने हैं। आप मान लीजिए 80 का स्क्वायर रूट आपको दिया गया है, इसके क्लोजेस्ट आप बताओ, मान लीजिए 7 स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा, और 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81, तो यहां पर आपको पता है ये 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 80, ठीक है, यहां पर ये क्या होने वाला है आपके पास, ये होने वाला है जो 80 है आपको पता है 64, 8 स्क्वायर होता है 64 और 9 स्क्वायर होता है 81, तो ये 9 स्क्वायर के पास वाला नंबर होने वाला है। ऐसे ही आपको इन तीनों के लिए कमेंट करके बताना है आंसर कि इनके क्लोज वाला नंबर कौन से होने वाले हैं, नियरेस्ट होल नंबर वाले। मान लीजिए मैं स्क्वायर रूट ऑफ 500 के बारे में बता देता हूं आपको, 20 स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, और 21 स्क्वायर 441, ठीक है, ऐसे ही 22 स्क्वायर होता है 422 स्क्वायर होता है 484, तो 20 स्क्वायर से 22 स्क्वायर से बड़ा होने वाला है ये, और 23 स्क्वायर के पास होने वाला है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 500 और 23 स्क्वायर होता है यहाँ पर 529, 22 स्क्वायर होता है 484 और ये होता है 529, तो आप देख सकते हो किसके पास वाले होने वाला है, 22 स्क्वायर के पास है नंबर ज्यादा। तो इस तरीके से दोनों आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से सेकंड के लिए और थर्ड के लिए किसके स्क्वायर के पास होने वाला है। ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करने वाले एक्सरसाइज 6.4 और इस पूरी
चैनल पर आपको सभी वीडियोस मिलने वाली हैं, क्लास 8 मैथमेटिक्स की, साइंस की और इंग्लिश और साइंस के सभी वीडियोस मिलने वाली हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।